मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब तक हमने रदरफोर्ड वगैरह पढ़ लिया, ई बाई एम रेशियो पढ़ लिया एंड हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक प्लैंक्स मतलब हर वेव में जो जितने पैकेट्स होते हैं राइट, उनकी एनर्जी क्या होती है राइट। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। तो बेसिकली मैं फॉर्मूला फिर से रिवाइज करता हूँ। जो हमने देखा था ई इक्वल टू एच म्यू या एच सी बाय लैम्डा, जिसको हम 19.8 10^-26 लेते हैं जब लैम्डा किसमें हो, मेरा मीटर में हो। E इक्वल टू 19.8 10^-16 व्हेन, जब लैम्डा क्या हो बेटा मेरा आपका, जल्दी बोलो, आर्मस्ट्रॉन्ग में हो। तो ये दो फॉर्मूला हमने देखा था और इसको बराबर हमने ये भी क्या था, E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, ये भी हमने फॉर्मूला कल ही कवर किया था। यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती है बेटा, जो हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था, ठीक है। आज इनके ऊपर हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था, क्या होता है उन चीजों के बारे में, बट मैंने आपका टाइप्स नहीं बताया था, ठीक है। तो बेसिकली अब जो हम बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, टाइप्स ऑफ ईएमआर, टाइप्स ऑफ ईएमआर की बात करें, अगर हम किसी बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईएमआर की, तो ये टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका रेडियो वेव्स, क्या होता है बेटा आपका रेडियो वेव्स। सेकंड होता है आपका माइक्रोवेव, क्या होता है आपका माइक्रोवेव। थर्ड होता है आपका इंफ्रारेड रेस, क्या होता है, आईआर रेस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। फोर्थ जो होता है आपका होता है विजिबल लाइट, क्या होता है आपका विजिबल लाइट। फिफ्थ जो आपका होता है वो होता है आपका यूवी रेस, क्या होता है आपका बेटा यूवी रेस। सिक्स्थ जो होता है आपका वो होता है आपका गामा रेस, क्या होता है गामा रेस। गामा गामा मैंने आपको बताया था, अल्फा बीटा गामा जो होता है, बाकी डिटेल में तो आप न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए याद रखो, ठीक है। सेवन होता है कॉस्मिक रेस, क्या होता है कॉस्मिक रेस, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बेटा तो वेवलेंथ घटता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता, एनर्जी भी बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ, अब हम एक एक चीज करके डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट सी बातें, ठीक है। पहला, हर चीज का सोर्स क्या होता है, वो है ना हाई है मतलब वो हार्मफुल है या नहीं है, उसका यूज क्या है, अगर हार्मफुल है तो कहाँ कहाँ क्या हार्मफुल है, इन सब चीजों को मैं लिटिल बिट आइडिया दूंगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए हर वेव्स के बारे में, ठीक है। पहला जो है मेरा बेटा वो रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स देखो आपको सबसे पता है, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वेवलेंथ घट रही है, लेकिन वेवलेंथ घट रही है तो एनर्जी भी क्या हो रही है आपकी, घट रही है। वेरी गुड, एनर्जी घट रही है मतलब ये वेरी लेस एनर्जी रेज होती है, इनका मोर इंपॉर्टेंट, जो अगर ये लेस एनर्जी वेव्स है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें नुकसान तो नहीं कर सकती है, वेरी हार्मलेस होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या रेडियो वेव्स की, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होने के वजह से इसको लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है ना बेटा, सैटेलाइट जो रेस फेंकता वो रेडियो वेव्स होता है, और यहाँ पे सिग्नल कनेक्ट होता है, जो आपने रेडियो चलाया भी होगा वो रेडियो वेव्स ही है, उस कुछ नहीं है, बस नथिंग बट। सेकेंड आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या करता है बेटा, माइक्रोवेव अगेन वेवलेंथ क्या हो रही है, घट रही है, तो माइक्रोवेव वेवलेंथ घटने की वजह से हल्की एनर्जी बढ़ती है, बट बहुत ज्यादा ये भी नुकसानदायक नहीं रहता है। अब इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है भैया, आप जितने भी मोबाइल कम्युनिकेशन होते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन, दैट्स बिकॉज ऑफ माइक्रोवेव ओनली, ठीक है। वॉकी टॉकी का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो भी माइक्रोवेव के जरिए होता है। दूसरी बात क्या होती है, इंपॉर्टेंट बात है, इसका सब ये भी सन से भी, ये सन से भी निकलता है माइक्रोवेव, रेडियो वेव भी सन से निकलता है, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, सन जो होता है वो मेजर सोर्स सबका है, हर ईएमआर प्रोड्यूस कर सकता है सन, ठीक है, यहां तक बात समझो। और माइक्रोवेव आप बोल सकते हो कि माइक्रोवेव हम जो खाना बनाते हैं वहां पे भी जो खाना जो फूड पकता है वो माइक्रोवेव की वजह से ही पकता है, ठीक है। थर्ड जो आपका है वो आपका आता है इंफ्रारेड रेस, क्या आता है इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेस का देखो, इंफ्रारेड रेस का घट गया, जैसे नीचे रहा वेवलेंथ घट रहा, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अब एक बात समझो ध्यान से थोड़ा, वो इसलिए कि इंफ्रारेड रेस का यूज कहाँ से होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि
क्योंकि शायद आपने डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अगर आपने मैन वर्सेस वाइल्ड देखा होगा, बियर ग्रिल्स का आपने अगर वो शो देखा होगा, तो आपने देखा होगा कभी कभी वो नाइट में शूट करता है, अंधेरे में भी देखता हूँ, ग्रीनिश दिखता है, दिख जाता है वो हमें, ग्रीनिश 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 दिखता है, शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो क्या करता है ना, बेसिकली वो इंफ्रारेड लेंस लगा देता है, जिस वजह से क्या होता है आप उसको देख सकते हो, मतलब नाइट विजन में काम आता है, ये आप बोल सकते हो इन चीजों को। विजिबल लाइट की बात करूं, विजिबल लाइट तो आपको खैर पता है, जब हम देखते हैं वो विजिबल लाइट होती है, नॉर्मल से होता है, ट्यूबलाइट वगैरह से निकलता है, ठीक है। यूमिनस की बात करते हैं, यूमिनस क्या होता है भैया, अब जैसे इंपॉर्टेंट बात, विजिबल लाइट के नीचे और विजिबल लाइट के ऊपर हम किसी भी रेस को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और विजिबल लाइट के ऊपर वाली सारी रेस क्या होती है, हार्मलेस होती है, आपको बहुत बहुत ज्यादा हार्म नहीं करेंगे वो। यूवी रेस की बात करते हैं, अगेन यूवी रेस कहां से प्रोड्यूस होता है, सन से भी निकल सकता, बल्ब जो होता है वहां से भी यूवी रेस निकलता। आप कभी गौर करना, आप कभी जो बल्ब होता है सोडियम, हाँ, आप उसको कभी गौर से देखो, या हेलोजन वगैरह, आप उसको गौर से देखो, थोड़े देर के बाद आपके आंख के सामने अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे बेटा यूवी रेज निकलती है, और यूवी रेज जो होती है हमारे आई को डिस्ट्रॉय, आई के रेटिना को डिस्ट्रॉय कर सकती है, राइट। यूवी रेज सन से भी निकलती है, इसलिए ओजोन का जो डिप्लेशन होता है वो यूवी रेज की वजह से हो रहा है। और अगर यूवी रेज हमारे डायरेक्ट, अगर ओजोन नहीं रहे और डायरेक्ट यूवी रेज हमारे हमको मिले, तो हमारी स्किन, हमको स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो इतनी खतरनाक है बेटे यूवी रेस। गामा रेडिएशन, अपने आप से नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर एमिशन से ही गामा रेस होता है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रेस होती है, कि आप या तो डायरेक्ट खत्म हो जाओगे तो पैरालाइज कर जाओगे, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। सेवन जो है कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक रेस अर्थ में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस में ही आपको मिलता है। बहुत सारे साइंटिस्ट का बेटा ये मानना था कि कॉस्मिक रेस जो है, ठीक है, जब टकराई, मतलब आउटर स्पेस में जब बहुत सारी कॉस्मिक रे टकराई, तो बहुत हाईली एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, और वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ, वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ, और ये मास जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में बना ये मास, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स नथिंग बट प्लेनेट है हमारे, ठीक है। और वो आज वैसे उनका मानना ये भी है कि आज भी वो मास ठंडे हो रहे हैं, मतलब इतनी एनर्जी उनमें है कि आज भी वो ठंडे हो रहे हैं। तब आप बोले सर पृथ्वी कहाँ से ठंडी हो रही है, इंटरनली आज भी अर्थ जो है वो ठंडा हो रहा है, लेकिन भले ह्यूमंस उसको आउटरली डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो इसी को हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। अभी काफी बोन वो ह्यूज कॉलिजन समथिंग कुछ एक्सपेरिमेंट है बेटा, जो 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, वो कॉलिजन एक्सपेरिमेंट ही इस तरीके से है कि कैसे भी करके एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर दे, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इक्वल टर्म्स का, जो आइंस्टाइन ने प्रूव भी किया था। लेकिन अगर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया, देन इट विल बी अ बिग अचीवमेंट, आपको लाइफ की उत्पत्ति का पता चल जाएगा कि आखिर अर्थ बना कैसे, और दैट्स नथिंग बट बिग बैंग थ्योरी, वही सब कहता है, ठीक है। Now, come to the point, ये हमारे types of radio waves थे जो हमने discussion किए, ठीक है। अब important बात ये है बेटा, अब हम discuss करेंगे questions किसके ऊपर, Planck's quantum theory के ऊपर, हम पे questions पे discussion करेंगे, ठीक है। तो कुछ questions मैं लिख के लाया हूँ, तो मैं उसको लिखता हूँ, साथ ही साथ आपका काम क्या होगा बेटा, जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप वीडियो पॉज करोगे, अपने खुद से अटेम्प्ट करोगे, अगर नहीं बनता है तब जाके आप क्या करोगे उसको देखोगे, अदरवाइज अपने आप पहले आप वीडियो सॉल्यूशन ही देखना, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया आज का आपका सेशन का, क्वेश्चन नंबर वन, ए बल्ब एमिट्स अ लाइट, ए बल्ब एमिट्स अ लाइट ऑफ वेव लेंथ 4500 आर्मस्ट्रॉन्ग, द बल्ब इज रेटेड एज, द बल्ब इज रेटेड एज 150 वॉट, 150 वॉट एंड 8% ऑफ द एनर्जी, 8% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट,
percent of the energy is emitted as light, then how many photon are, then how many photon are emitted per second by bulb. ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बाद मैं सारे आपको एक एक करके क्वेश्चंस के बताऊंगा. ए फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर, ए फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय गैस, इज एब्सॉर्ब्ड बाय गैस एंड देन रीएमिटेड एंड then re-emitted as two photon, as two photon, one having a wavelength, one having a wavelength, one having a wavelength 760 nanometer, full stop. Then what is the wavelength of second photon? Then what is the wavelength of second photon? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं मैं. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये होगा, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ रेडिएशन. कैलकुलेट the lambda of radiation, calculate the lambda of radiation which would cause photo dissociation which would cause photo dissociation of Cl2 molecule if Cl-Cl bond energy is 243 kilojoule per mole. ठीक है बेटा, पहले मैं तीन क्वेश्चन आपको बता रहा हूं. ठीक है, उसके बाद हम बाकी चीजें नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे. ठीक है, नाउ देखो बेटा. ठीक है, ये मेरे तीन क्वेश्चन बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चन से देखो. ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है, ए बल्ब एमिट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4500 आर्मस्ट्रांग. मतलब मान लो ये खड़ा हो, यहां से मुझे जो लाइट मिल रही है, ठीक है, मतलब जो बल्ब एमिट कर रहा है लाइट, उसकी वेवलेंथ 4500 आर्मस्ट्रांग. The bulb is rated as 150 watt. अब समझो, wavelength उसने कितना दिया हुआ, 4500 armstrong. ठीक है, और मुझे उसने एनर्जी डायरेक्ट नहीं दी, उसने पावर में दिया, तो वाट को मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी को 150 जूल पर सेकेंड क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि इसका टोटल एनर्जी है, उस बल्ब की टोटल एनर्जी कितनी एमिट हो रही है एक सेकेंड में, 150 पर जूल. एंड 8% of the energy is emitted as light. Then how many photons are emitted per second by bulb? ध्यान समझना बेटा. अब इस total energy का मतलब power दिया, तो power तो मैंने convert कर लिया energy में. तो ये मेरे पास total energy है. लेकिन ये total energy light मतलब इस energy की wavelength मुझे नहीं मिल रही है. मुझे कितनी energy की wavelength मिल रही है? इसके 8% की एनर्जी की वेवलेंथ मुझे लाइट के फॉर्म में मिल रही है, बाकी सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट. तो मैं बोल सकता हूं एनर्जी एमिटेड एज लाइट, एनर्जी एमिटेड एज लाइट इज इक्वल टू, क्या बोल सकता हूं बेटा मैं, 8/100 इनटू 150. दिस कैंसिल द अप्रोक्सीमेटली, ये आई थिंक 12 जूल आएगा, राइट. कितना आया बेटा, 12 जूल. उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड. क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा, E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा. यहां से आपको
ई पता है, एस सी का ऑलरेडी कांस्टेंट होता है लैम्डा, आपको दिया हुआ है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं 12 इज इक्वल टू एन, एस सी की वैल्यू होगी 19.8 10 रेस टू -16 अपॉन 4500। ठीक है, इसका मतलब यहां से जो n की वैल्यू होगी 12 इंटू 4500 इंटू 19.8 10 रेस टू -16। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर कर दे रहा हूँ बेटा, लेकिन आप पूरा कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली n की वैल्यू आती है 27 इंटू 10 का पावर 18 फोटोन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये जेई मेंस में भी एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं है ईयर, आई डोंट थिंक सो ईयर तो कि कौन सी ईयर में आया, बट ये क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, होप सो आपको यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा बेटा। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर इज एब्जॉर्ब बाय द गैस एंड देन रीएमिटेड एज टू फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ 760 नैनोमीटर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकंड फोटोन। ध्यान से समझना बेटा। अब आप बोलोगे सर फोटोन तो पार्टिकल नेचर है, कल ही बताया था आपने, और अब बोल रहे हो उसका वेवलेंथ। देखो यही पे क्वेश्चन घुमा दिया उसने, आपको फोटोन का वेवलेंथ ये नहीं बताना, वो फोटोन जिस एंड जिस वेव से मिला है उसका वेवलेंथ बताना है। तो वही उसने इनडायरेक्टली वेव में पूछा है, मतलब कहीं ना उस किसी वेव से तो वो फोटोन मिल रहा होगा ना बेटा, तो उसी वेव की आपको वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, वही पूछा। तो बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन है एनर्जी गेन प्लस एनर्जी लॉस। एनर्जी गेन कितना, मतलब जो रेस आई वो कितनी की थी, 300 नैनोमीटर की थी। ठीक है, 300 नैनोमीटर और एब्जॉर्ब करी 300 नैनोमीटर का, एमिट कर रही है 760 का, और ये लैम्डा कर रही है, तो नथिंग बट एनर्जी गेन इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। एनर्जी गेन मतलब कितना, एच सी बाय 300 इज इक्वल टू एस सी बाय 760 प्लस एस सी बाय लैम्डा। तो एस सी एस सी क्या कर सकता हूं बेटा, मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो यहां से 1 बाय लैम्डा जो होगा 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 760, तो इसको मैं अगर कर दू तो 760 माइनस 300 बाय 760 इंटू 300, और इसको रिवर्स कर दू तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 760 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 460। तो आई थिंक ये जो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, मेरे हिसाब से ज्यादा मैंने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यू आ रही थी अप्रोक्सीमेटली 495.6 नैनोमीटर। आप कैलकुलेट करके देखिएगा आपका कितना आ रहा है, जस्ट आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिएगा, उस बताइएगा सही आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ तक होप्स आपको सबको क्लियर हुआ होगा ये चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये अपने आप में। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ रेडिएशन विच वुड कॉज फोटो डिसोसिएशन ऑफ सीएल टू मॉलिक्यूल इफ सीएल सीएल बॉन्ड एनर्जी 243 किलो जूल पर मोल। समझो बेटा ध्यान से, अब जो बच्चों को बॉन्ड एनर्जी का नहीं आइडिया होगा तो उसको मैं लिटिल बिट आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नथिंग बट बॉन्ड एनर्जी। सीधा सिंपल सी भाषा में, जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ेगी वही बॉन्ड एनर्जी होगी। इसका मतलब ये है, अब आप बोलोगे सर ये तो फोटो डिसोसिएशन है, मतलब क्या, मतलब फोटो डिसोसिएशन का मतलब ये है कि वो फोटोन के द्वारा तोड़ा जा रहा है, समझो बात को। अब फोटोन का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनना हो, एक फोटोन आपका पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, मतलब उस एनर्जी पैकेट को ही हम फोटोन बोलते हैं। या तो एक फोटोन को आप लिंक करो एक एटम से, या तो लिंक करोगे एक मॉलिक्यूल से। ध्यान से समझना बेटा, एक फोटोन को या तो आप लिंक करोगे एक एटम से या तो एक मॉलिक्यूल से। यहां पे मॉलिक्यूल है तो मेरे लिए भी क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ही आप मानोगे। समझना भान ध्यान से बिल्कुल बेटा। अब किलो जूल पर मोल है यहाँ पे, मतलब उसने जो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है मुझे एक मोल की एनर्जी दी हुई है। कितने की दी हुई है, एक मोल की एनर्जी, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वेरी गुड 6.023 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है प्यारे बच्चों, इधर ध्यान से देखो। ठीक है, फोटोन का आपको किससे लिंक करना है, या तो एक एटम हो गया तो एक मॉलिक्यूल हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ भी आप ले सकते हो, जैसा सामने वाले के एक्शन पे अपना रिएक्शन करना है आपको। अगर मॉलिक्यूल पूछा तो फोटोन मॉलिक्यूल जैसा समझना, एटम पूछा तो एटम जैसा समझना। यहां तक बात आपको सबको क्लियर है, ध्यान से समझना। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर जो बच्चे 10th में नहीं पढ़े होंगे तो इतना जान लो, जैसे अगर आपको मैंने बोला कि बनाना, एक डजन बनाना में कितने बनाना होते हैं, तो आप सीधे क्लिक करते 12,
उसी तरीके से मोल मोल का भी एक ये होता है कि एक्चुअली ये एक नंबर दिया गया पर्टिकुलर पर्टिकुलर एटम एलिमेंट में एटम को काउंट करने के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 मोल बराबर जो होता है वो होता है 6.023 10 का पावर 23। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन मॉलिक्यूल क्या था। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लेके चलूंगा, इसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, NA से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब समझना बात को ध्यान से बेटा। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, 6 Na मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। Na मॉलिक्यूल रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 243। कितना है, 243 किलो जूल। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 कितना रिक्वायर्ड होगा, वन मॉलिक्यूल Cl2 243 by Na किलो जूल। एक मॉलिक्यूल Cl2 कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतना। अब समझो बात को, जैसे मेरा यहाँ पे Cl2 को एक फोटोन आके यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसकी जो एनर्जी होगी, मतलब इस बॉन्ड की एनर्जी इस फोटोन की एनर्जी के बराबर है, तभी तो ये तोड़ पा रहा है। फोटो डिसोसिएशन हो पा रहा है तभी तो। बात समझ में आ रही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस बॉन्ड मतलब फोटोन की जो एनर्जी होगी 243 by Na होगी। अब कितना वेवलेंथ होगा, तो सिंपल से एनर्जी मुझे पता है, मतलब Sc/λ डायरेक्ट पुट कर दो, तो Sc/λ मतलब 19.8 10^-16 λ/A। ठीक है, अगर मैं और इसको कैलकुलेशन करूं तो 243 / 6 × 10^23 इज इक्वल टू 19.8 10^-16 λ। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, तो यहां से जो बेटा लैम्डा की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो 19.8 10^-6 6 × 10^23 / 243। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी ये आएगी 4.9 10^16 शायद, ये अप्रोक्सीमेटली शायद ये वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन किया है। तो प्लीज चेक इट आउट, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मिस्टेक है तो प्लीज ग्रुप में एक बार मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 3 क्वेश्चन आज। ठीक है, अब हम थोड़ा चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन करेंगे आज अच्छे अच्छे ताकि आपको फील हो कि आज हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है अच्छे से, कोई आपका डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। एन इलेक्ट्रॉन गन एंड इलेक्ट्रॉन गन एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन थ्रू 320 वोल्ट। ठीक है, विच एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10^-4 टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 6.4 × 10^3 V/m। कैलकुलेट ई बाय एम
रेशियो कैलकुलेट ई बाय एम रेशियो। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट, इज जस्ट सफिशियंट, इज जस्ट सफिशियंट टू आयनाइज ए एन एटम, जस्ट सफिशियंट टू आयनाइज एन एटम। स्टॉप, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, चलो ये हमारा लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, पांच ही क्वेश्चन करेंगे बट अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोला, देखो ध्यान से बेटा, बोला एन इलेक्ट्रॉन गन एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन थ्रू 320 वोल्ट विच एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6×10⁻⁴ टेस्ला एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। देखो इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो याद करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस जाता है, ऑब्वियस बात है ऐसे तो नहीं जाएगा, वेव्स स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा। बराबर, जब दोनों परपेंडिकुलर का, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पहला तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था, और यही एग्जांपल मैंने आपको, ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किसमें भी दिया हुआ है, किसमें, कैथोड एक्सपेरिमेंट में, उसी का ये क्वेश्चन है बेटा। तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एडजस्ट होगा ताकि आपको दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाए मेरे बेटा, बराबर हो जाए। तो याद करो मैंने उसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ पे मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, ई स्क्वायर बाय 2B² V, ये हमने डेरिवेशन से निकाला था, राइट, याद है, बस डायरेक्ट कुछ नहीं फॉर्मूला लगाई अप्लाई करे खत्म, यही करना था आपको। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हो जल्दी बताओ बेटा, 6.4×10³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका, 6×10⁻⁴ का स्क्वायर इनटू 320 वोल्ट, 320 वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये जो वैल्यू आती है, देखो क्या मैं इसको 6 और 6.4 के अप्रोक्सीमेटली कैंसिल कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 10⁻⁶, 10⁻⁶ और 10⁻⁸, 10⁻⁸ ऊपर चला तो 14, 14 और 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है ये वैल्यू आएगी 10³⁻³। जस्ट चेक इट आउट, प्लीज चेक करके बताइएगा जो भी रहेगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, एग्जैक्ट समय मतलब नहीं है, हमने लमसम में निकाला। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये बड़ा अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है बेटा थोड़ा। ठीक है, क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशियंट, मतलब अपने आप में वो उतना सफिशियंट है, मतलब इस रेडिएशन का जो भी फोटोन इस वेवलेंथ का होगा और सोडियम से टकराएगा तो उसको वो आयनाइज कर देगा। आयनाइज करने का मतलब बेटा पहले सोडियम था, आयनाइज होने के बाद वो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे जो मुझे सोडियम से एनर्जी निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, राइट, एनर्जी देना पड़ता है, मतलब वो एनर्जी कौन देगा मुझे, वो एनर्जी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा। ठीक है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है, उसने पूछा कि कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। अब समझना, अब इमेजिन करो सोडियम में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा, टकरा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा बाहर से, मतलब उस फोटोन के पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को सोडियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से उसको क्या कर रहा है, वो आयनाइज कर दे रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला एक ही होता है भैया, यहाँ से क्या निकालोगे आप, पहले तो इस वेवलेंथ की एनर्जी निकाल लो, इससे कितना होता था Hc/λ, तो कितना होगा 19 पॉइंट, देखो यहाँ पे नैनोमीटर में है तो जस्ट उसको कन्वर्ट कर, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, अगर यूनिट पे ध्यान दो तो क्वेश्चन बहुत गड़बड़ा जाएगा। तो 19.8×10⁻²⁶ लैम्डा को मीटर में लेते हैं, 242×10⁻¹⁹। ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी हुई, अब यही एनर्जी किसके बराबर हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है, क्योंकि दोनों एनर्जी वो क्या बोला, इट जस्ट सफिशियंट टू आयनाइज एन एटम, मतलब उतनी ही आयन, मतलब इस जब सफिशिएंट टू आयनाइज एन एटम का मतलब यही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, और ये एनर्जी और फोटोन की एनर्जी क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इन
पर मोल के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 19.8 × 10⁻²⁶ डिवाइडेड बाई 242 × 10⁻⁹ × 10⁻³ 6.023 × 10⁻²³। तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है, ये आती है मेरे 494.5 किलो जूल पर मोल। तो ये बेसिकली जो मेरे क्वेश्चंस थे बेटा, ठीक है, ये मैंने काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए ताकि आपको फील आए कि एक्चुअल में आपको जेईई एडवांस तक पढ़ना किस टाइप से। तो आपको ये क्वेश्चंस कराने का आपका मोटो ये था कि आपकी थिंकिंग लेवल बढ़नी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। होप सो आपने आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किएगा, और उसके बाद जो मैंने आपको डीपीपी दी है, प्लीज सॉल्व इट आउट, गो थ्रू इट, जो आपको डाउट्स आते हो प्लीज यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।